वृंदावन की ये पावन भूमि इस वृंदावन को राधा रानी का हृदय कहा जाता है। अभी जहाँ आप बैठे हैं ये श्री राधा रानी का हृदय है, ये उनका चित्त है। इसलिए श्री ठाकुर जी जब भी ब्रजधाम में रहे उन्होंने कभी पादुकाएं नहीं पहनी, चप्पलें नहीं पहनी। श्री ठाकुर जी कहते हैं ये मेरी श्री राधा रानी का हृदय है, चलना भी मेरे लिए असमर्थ है। शास्त्र कह रहे हैं कि इस धरती पर हमारे जो गुरुदेव थे, मेरे जो दीक्षा गुरु हैं, वो कहा करते थे विनोद में कि वृंदावन का जो शौचालय है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, वो वैकुंठ से भी बढ़कर है। तो किसी ने पूछा महाराज जी क्यों, तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में जाओगे तो गारंटी नहीं है कि आपको राधे राधे जय श्री कृष्ण जय श्रीमन्नारायण सुनाई दे, पर वृंदावन के किसी शौचालय में नहाने भी चले जाओगे ना तो वहां भी कान में आपको राधे राधे ही सुनाई देंगे, जय श्री कृष्ण ही सुनाई देंगे। तो बहुत भाग्यशाली हुआ आप लोग, यहाँ कोई अपने आए नहीं आता है। दुनिया के सारे तीर्थों में कोई भी चला जाएगा, हरिद्वार काशी बनारस, पर यहाँ वही आता है जिसको हमारी स्वामी राधा रानी पकड़ के खींच करके लाते हैं, जिसको खींच करके यहाँ लाया जाता है वही यहाँ पर आ सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कलकत्ता से जो हमारा संथलिया परिवार है, बहुत पारिवारिक रिश्ता है आप सब से। आज शायद कब हुई थी कथा, एक साल हो गया ना, पर आपका जोश एक साल में एक इंच भी कम नहीं होगा, वही उत्साह है वही जोश है। और हम जब भी कभी बैठते हैं कोई चर्चा सब टीम में चलती है तो सब लोग बड़े याद करते हैं आप लोगों के उत्साह को, आप लोगों के जोश को। श्री जी से यही निवेदन है आप इस धाम में आए हो यहाँ से एकदम भर के जाओ, भर के मतलब प्रेम में भर के जाओ। ये प्रेम की धरती है, प्रेम की यूनिवर्सिटी है, ये प्रेम का मुख्य विद्यालय है, ये राधा कृष्ण के मिलन की भूमि है। यहाँ की बाउंड्री में ये एक प्रेम है, यहाँ की हवा जब छू के जाती है ना, श्री गौड़िया परंपरा के हमारे ग्रंथ है उसमें लिखा है कि जब नंदगांव से हवा चलती थी ना और श्री कृष्ण के पीताम्बर को छू करके जब वो हवा बरसाना जाती थी और बरसाने की किसी गोपी को हवा स्पर्श करती थी ना, तो उस वायु को छू करके गोपी कृष्ण का स्पर्श अनुभव करती और मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती। केवल हवा छुई, केवल स्पर्श किया उस वायु ने और मूर्छित हो। फिर उसको जगाने के लिए क्या करना पड़ता, देखो प्रेम में रोग भी वही है और दवा भी वही है। सबसे बड़ी बात प्रेम का जो वैचित्र्य है वो ये है कि रोग भी है दवाई भी है। प्रेम में दर्द भी है, प्रेम में सजा भी है, तो उसमें मजा भी है। पर ध्यान रखो मैं संसार वाले प्रेम की बात नहीं कर रही, प्रेम शब्द आते हम नापतोल लगाना शुरू कर देते मेरा उससे प्रेम, वो प्रेम नहीं है। वो अपना अपना प्यार कह सकते हो, स्वार्थ कह सकते हो, लगाव कह सकते हो, प्रेम नहीं। प्रेम जानते हो क्या है, बरसाना, शायद आप लोग गए होंगे, बरसाना में एक स्थान है कि हेवर, अगर नहीं गए हो और अगर तीन चार दिन में जाने का प्लान है तो जरूर जाना। तो गहवरवन में श्री राधा रानी पाषाण के ऊपर बैठी हैं और एकदम भाव में डूबी हुई है, आंखें बंद हैं। हमारी श्री राधा रानी का ब्रज में जो स्वरूप है ना बड़ा भोला भाला, बहुत भोरी भारी, आंखों में रस टपकता है, करुणा झलकती है, आँख बंद करके ऐसे बैठी है। आसपास उनके बहुत सारे मोर घूम रहे हैं, मयूर घूम रहे हैं, कोयल घूम रही है, शुक घूम रहा है, तोता घूम रहा है, सखियां हैं, चित्रा है, विशाख है, सब बैठी है घेर करके। तो सबने कान लगाया कि राधा रानी कुछ बोल रही है, तो राधा रानी क्या बोल रही है, कान लगा के सुना तो राधा रानी बोल रही है राधा राधा श्री राधा श्री राधा। सब सुन रहे हैं, सखियां सुन रही हैं, सखियों ने सोचा है तो बड़ी
बेढंगी बात हो गई, ये तो कुछ समझ से ही बाहर है। कोई अपना ही नाम क्यों लेगा? अगर हमने सुना राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हो तो कृष्ण 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 ये बोलना चाहिए ना। पर कहे कौन, हिम्मत तो किसी की थी नहीं बोलने की। बहुत देर तक श्री राधा रानी राधा राधा बोलती जा रही, रोती जा रही, अपने नाम लेती जा रही, रोती जा रही। तो फिर सब सखियों में, अष्ट सखियों में जो प्रधान मानी जाती है वो है ललिता। तो ललिता को सबने कहा कि आप पूछिए। तो ललिता ने श्री राधा रानी से पूछा कि ये श्री राधे, सबका भाव है, आप बताइए ना कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? आप ये राधा राधा क्यों बोल रहे हो? आपको तो कृष्ण कृष्ण बोलने में रस आना चाहिए। श्री राधा रानी का एकदम कंठ गदगद हो गया और रोती हुई बोली कि सखी, प्रेम जानती हो क्या होता है? सब एकदम कान लगा के सुनते हैं, बताइए क्या होता है। तो राधा रानी ने कहा कि मैं जानती हूँ, ये जितने भी मोर घूम रहे हैं ना, इन्हीं मोरों के बीच मेरे श्याम सुंदर भी मोर बन के घूम रहे होंगे, मुझे देखने, मेरा दर्शन करने आए होंगे और इस आशा से आए होंगे इस गैरवन में कि उनको मेरा नाम सुनाई दे। मुझे कृष्ण कृष्ण बोलने में रस आता है, लेकिन मैं कृष्ण कृष्ण बोलूंगी तो मुझे सुख मिलेगा, पर मुझे देना अपने प्रियतम को सुख, इसलिए उनको सुख देने के लिए मैं बोल रही हूँ राधा राधा, ताकि उनको सुख मिले, वो जहां भी हो मेरा नाम सुन करके एकदम आनंदित हो जाए। ये है प्रेम। संसार में तो ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ तो अपना सुख देखा जाता, मुझे किसी में सुख मिलता, अगर मैं जैसा चाहता हूँ तू वैसा नहीं चलेगा तो तुरंत तलाक, खत्म। क्यों? क्योंकि वहां अपना स्वार्थ। पर जो निस्वार्थ प्रेम जो श्री राधा माधव का है वो यही है कि वहां तत् सुखे सुखित्वम, उनका सुख देखा जाता है और आप उसी भूमि पर बैठे हो, वृंदावन की भूमि उस प्रेम को देने वाली भूमि है। कलकत्ता, यहाँ कितने लोग हैं कलकत्ता से? सारे ना, अब कुछ बोल भी नहीं सकती। पर कलकत्ता बंगाल, देखो मैंने कहा है, मुझे अगर वृंदावन के बाद कोई दूसरी धरती है जहाँ जिससे मुझे लगाव है, प्यार है, तो बंगाल है। और वो सिर्फ और सिर्फ श्री गुरुदेव की जन्मभूमि और चैतन्य महाप्रभु के कारण। तो कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, ये जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर प्रेम की भीख तो वृंदावन में होगी, इस ब्रज में। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, आपको यहाँ आने का अवसर मिला। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना बहुत है। थोड़ा एक भाव गाते हैं, एक भाव पहले मैं अपना मुल्का गा देती हूँ, फिर जो आप लोगों का कहना है फिर वो भी गाऊंगी। तो सब भाव से गाएंगे। राधा रानी की चर्चा चली है और वृंदावन की धरती है, यहाँ 7 दिन से जब जाओ तो प्रसाद लेके जाना अपने घर। क्या प्रसाद लेके जाएंगे? लड्डू बर्फी नहीं, पहली चीज यहाँ से जाएंगे तो वृंदावन की रज ये लेके जाइएगा, जमुना का जल लेकर के जाइएगा, ये हुई बाहर का प्रसाद, एक प्रसाद है राधा, ये जरूर अपने साथ लेकर के जाइएगा। दुनिया में कहीं भी रहो पर दिल में हमेशा श्री राधा रानी का नाम धड़कते रहना चाहिए। तो उस राधा नाम का हम सब थोड़ी देर गान करेंगे, सब भाव से गाएंगे, अपने मन को करेंगे। क्या कहेंगे मन को? ओ मन भूल मत जइयो राधा, राधा रानी के चरण महा, रानी के चरण, राधा रानी के चरण महा, रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा, रानी के
किया पूज्य पाद प्रातस्मरणीय पूज्य महाराज श्री भी हमारे मध्य आए हैं, आपको उनका सानिध्य मिल रहा है कथा के माध्यम से। ये वृंदावन जो है कल्प तरु है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कोई भी दुनिया की चीज मांग लोगे वो दे देंगे। ये श्रीधाम वृंदावन वही कल्प वृक्ष है, ये कल्प तरु है, और यहाँ आकर के गलत भावनाओं में बह करके कोई संसारिक सुख मांगना ये पागलपन है। जब जब भी लगे ना कि माया टक्कर दे रही है वृंदावन आकर, यहाँ की मिट्टी में एक बार लेट जाओ। नंदगांव में नंद बाबा ने कहा कन्हैया को कि कन्हैया हमारा मन कर रहा है सारे भारत के तीर्थों का भ्रमण करने का। तो ठाकुर जी अब कैसे बोले, मना तो कर नहीं सकते। बाबा ने कहा तो ठीक है बाबा, पर आप एक काम करना, तीर्थ यात्रा में जाने से पहले एक बार यमुना जी स्नान करके आओ। तो बाबा बोले ठीक है। सुबह सुबह गए बाबा यमुना स्नान के लिए। जैसे स्नान किया बाबा ने तो देखा कि यमुना के किनारे एक लंबी लंबी सफेद दाढ़ी सफेद केश वाला एक व्यक्ति बालू में मिट्टी में लोटको इधर से उधर। तो नंद बाबा ने पूछा जाके ब्रज भाषा में, पूछे भैया तू कौन है, का नाम है तेरो? तो व्यक्ति बोला मेरा नाम है प्रयाग। तो बाबा बोले कौन से मोहल्ले से आए हो? प्रयाग बोला मैं आपके मोहल्ले का नहीं हूं, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। बोले कौन हो? तीर्थों के राजा प्रयाग। हाँ तीर्थराज प्रयाग। तो भैया तू यहां क्या कर रहे हो यहां माटी में और लोटपोट काहे को लगा रहे हो? तो तीर्थराज प्रयाग ने क्या उत्तर दिया जानकर? तीर्थराज बोले सारी दुनिया तीर्थों में जाके अपने पाप छोड़ के आ, पाप धो के आ, गंगा जी जाओ पाप धो करके आओगे। और जब मुझे लगता है ना कि मैं पाप अब एकदम ओवर हो चुका है, तब मैं इस ब्रिज की माटी में आता हूँ, यहाँ के लोट मोट लगाता हूँ और सारे पाप जो मेरे ऊपर लोग छोड़ के गए वो सब धुल जाते। ब्रिज की रज में, ब्रिज की इस रज बाहर, ये माटी नहीं है, जितनी सामर्थ्य कृष्ण में है ना भक्ति प्रदान करने की उतनी सामर्थ्य इस ब्रिज की रज में है। इसलिए यहाँ की रज को मस्तिष्क पर लगाया जाता है, अपने शरीर पर लगाया जाता है। ये वो धाम है जहाँ की रज में, यहाँ के और तो छोड़ दीजिए, यहाँ के बानरों में इतनी सामर्थ्य है, तुम्हारा चश्मा ले जाए तो घबराना नहीं, चश्मा ले जाए मुझे कृपा हो गई ठाकुर, चुन लिया ठाकुर। मैं कोई आपको ऐसे ही विनोद के लिए नहीं कह रही, जितने शास्त्र पढ़ लीजिए, वृक्ष भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, बानर भी बनइयो, सूतर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भक्त सो मांग मांगता। ये मांगा है, ये इस ब्रज के रसिकों ने मांगा है, प्रभु सब कुछ छीन लो पर इस ब्रज से बाहर, इस ब्रज का वास। इसीलिए यहाँ से मांग के जाओ, आपकी संसारिक चीज नहीं चाहिए हे राधा रानी, हमारा मन आपसे एक क्षण के लिए भी अलग ना हो ऐसी कृपा कर दो। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो कहते ब्रह्मा जी
शंकर जी, शौनक जी, संकादिक जी इस ब्रज में एक ही मांग लेके पड़े, राधा रानी के चरण रज। रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। एक सखी राधा रानी के चरणों में महावर लगा रही, अंता लाल जो महावर होता है, और श्री जी के चरणों को ऐसे हथेली पर उसने रख रखा था, अंता लगा रही थी। चरण दर्शन करते करते डूब गई, भूल गई, आंखें बंद हो गई, हाथ से वो पात्र छूट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली, याद आया कि मुझे सेवा मिली है महावर लगाने की, फिर से पात्र लेके लगाने लगी। अब वो पहचान नहीं पा रही कि किस चरण में अंता लगा और किसमें नहीं लगा। आपको मुझे कैसे नहीं पहचान, लाल रंग तो अपने आप पहचान में आ जाए, कैसे नहीं पहचान पा रही। बोली उस महावर का रंग और हमारी श्री जी के चरणों का रंग दोनों का बराबर, कुसुम की कली को और वृषभान की लली को एक रंग। कुसुम की कली कैसी होती है, कितनी कोमल होती है, क्या रंग होता है, वैसी श्री राधा रानी के चरणार। इसलिए जग भूलू, दुनिया भूलू, सारा अर्थ व्यापार भूलू, लेकिन ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। कहते हैं ना, जब बालक तोतली भाषा में भी बोलता है तो माता पिता उसी में राजी हो जाते, तोतली भाषा में ज्यादा खुश हो जाते कि आता कुछ नहीं, देखो कैसे टूटा फूटा बोल रहा है। भाव तो मेरा था कथा में ही आने का, पर व्यस्तता कथा की अपनी है, इसलिए कारण मन जो है ना महापुरुषों के मुख से सुना, मन एक बालक जैसा होता। लोग कहते जरूर है कि मन मानता नहीं, मन ऐसा, मन लगता नहीं, पर मन एक्जेक्टली बच्चे के जैसा। बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता, उसको टॉफी का लालच दे दो सब काम कर देगा। इस मन को भी समय समय पर ठाकुर जी से जोड़ने के लिए इससे बातें करनी पड़ती है, बैठ करके इसको समझाना पड़ता है, कहाँ भटक रहा है, कहाँ संसार में तुझे लग रहा है तुम मिल जाएगा, आज तक तूने खोजा मिला, हर जगह ठोकरों के अलावा तुझे कुछ मिला। इस मन को समझाना पड़ेगा, ये भजन यही है, मन को समझाओ कि छोड़ दुनिया के दांते और राधा नाम के सहारे छोड़ जीवन भर, राधा नाम के सहारे छोड़ के देख तो सही क्यों बेकार में अपने कंधे में बोझा ढोए। जैसे एक बूढ़ी अम्मा कोई सर पे गठरी चा रही थी, लेके जा रही थी, बैलगाड़ी वाले बोला भैया हमारी बैलगाड़ी में आके बैठ जा, उसकी बैलगाड़ी में बैठ गई, पर जब बैठी तो गठरी सर पे ही रख के बैठी है। उसने कहा माँ नीचे क्यों नहीं उतारती, तो बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हारी बैलगाड़ी में पहले से मेरा ही इतना वजन है, अब इसका वजन नहीं रखूंगा। उसने करी अम्मा कैसी पागल जैसी बातें करती है, तेरा वजन उठाने वाला भी ये बैल है और तेरी गठरी का वजन उठाने वाला भी बैल, बेकार में सर पे झंझट रख के क्यों घूम रही है। सुनने में हंसी आई हमें, पर करते हम भी यही। वजन उठाने वाले ठाकुर जी, करने वाली श्री राधा रानी, और फिर भी सर पे वजन उठाए बैठे हम कर रहे, रो रहे, परेशान है कि हमारे करने से हो रहा है। इसलिए मन को कही ए रे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, मन भूल मत जइयो मेरी श्याम के चरण।
प्रसन्नता है कि आप सब यहाँ आए हैं। पूज्य महाराज जी की कृपा, उनका सानिध्य, एक सत्पुरुष का संग होना ही जीवन में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा कार्य करता है। कल जब राधा रमन जी बिहारी जी जाओ, मेरे प्रिय उदाहरणों में से एक है, जहाँ भी मौका मिलता है मैं जरूर बोलती हूँ, कल बिहारी जी जाओगे तो नोट करना कि जब बिहारी जी जाते हैं तो बाहर फूल वाले बैठे होते हैं, और फूल गुलाब की माला लोगे तो एक पलाश के सूखे पत्ते में बांध करके देते हैं, उसमें धागा लगा करके देते हैं। तो कभी कभी मन में आता है कि गुलाब का फूल बिहारी जी तक जाए, तो उसमें गुण है, खुशबू है, रंग है, इसलिए बिहारी जी तक जा रहा है। पर वो सूखा पत्ता बिहारी जी तक क्यों गया, तो मन में आता है कि गुलाब का संग पाके सूखा पत्ता भी बिहारी जी के चरणों तक है। हम सब सूखे पत्ते हैं, ऐसे महापुरुष गुलाब का फूल है, इनके
आपका संग पाके हम ये यही काम करते हैं कि जिनमें रूप नहीं, गुण नहीं, रंग नहीं, उनको बिहारी जी तक पहुंचाने का काम तो पूज्य महाराज जी का सानिध्य आप सबको ऐसी प्राप्त होता रहे। अंत में अब एक भजन आपका वही वाला तो एक प्यारा सा भजन है, ब्रज में सब गाते हैं, ब्रज के बच्चे बच्चे को भजन आता है, तो आप हम सब भाव से गाएंगे। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, तो यही मांग श्री राधा रानी से करते हुए सब भाव से मेरी विनती यही है राधा रानी, हो मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा राधा रानी कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, पीछे वाले हैं जिन जिनका पहले शक्ल देखा, पीछे वाले थोड़े जरा शांत से बैठे, ऐसे नहीं, आप सब भी कहिए राधा रानी से, ये देखो बच्चा जब तक रोएगा नहीं ना, जब तक ऐसे बोलेगा माँ 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 नहीं सुनेगी, लेकिन जब चीख करके हाथ उठा के कहेगा माँ माँ, तो माँ लाख काम कर रही हो छोड़ के भाग के आएगी, क्या हो क्या हो। इसलिए अगर श्री जी के जय जय श्री राधे हम हाथ उठा के इसलिए बोलते कि हे स्वामी जी हम आपके चरणों में, हम आपके आश्रय में आना चाहते हैं, इसलिए सब सब जो श्री जी का होना चाहता हूँ बनना चाहता हूँ। अब श्री जी के तो हैं, होते नहीं तो यहाँ तक आते, ये तो पक्का है, पर हे स्वामी जी हमें अपना सदा सदा के लिए बना लीजिए, दोनों आग डाके कही कृपा
भक्तों के लिए परफॉर्म करने वाले हैं, तो हम कैसे जितने भी अच्छे अच्छे भजन हैं उन सबको, मतलब भजन तो सारे ही अच्छे होते हैं, मगर होता है ना कि कुछ भजन ऐसे होते हैं जो सभी को अच्छे लगते हैं, तो हमने सोचा कि सारे परफॉर्म करेंगे फिर तो ऐसा लगता है कि हमें पूरा दिल ले जाएंगे, तो हमने एक प्यारी सी मेलेडी बनाई है जो हम आप सभी के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। हरि बोल। हरि बोल।
Oh,
दिल तुम्हारा केशव पुकारू तुमको गोपाला One, two, three, go!
क्या देखूं, बोलो भाग्य प्यारी लाल लड़की। ऐसे होते हैं अच्छे भक्त, सबके हाथ उठते हैं वो भी पूरे स्ट्रेट, वरना आदमी तो यूं होते हैं पीटी कर रहे हैं उधर से। तो अब भाग्य प्यारी का जयकारा लग रहा है तो अगला भजन किसका होगा? भाग्य प्यारी का, भाग्य प्यारी का सबका मन पसंदीदा सबसे चहिता भजन, जिसके लिए फिर से आपको, क्योंकि संकीर्तन है तो सबको गाना पड़ेगा। सब कैसे गाएंगे? कैसे गाएंगे? चलिए। बाकी बिहारी मेरे, बाकी बिहारी, सबको आता है। अभी आपके चैन पे क्वेश्चन मार्क होगा कि आप क्या ही गवा रहे हैं। बोलिए बाकी बिहारी, बाकी बिहारी मेरे।
सीजन की क्या ऐसे होते हैं भक्त। देखिए तो अगला गाना जब हमने बांके बिहारी जी के लिए गाया,